फतेहपुर खागा कस्बे का सबसे ज्यादा पब्लिक स्कूल के बच्चों से बिजी चौराहा कोई भी पुलिस नहीं। खागा हाईवे के नौबस्ता चौराहे का तो ऐसा हाल है कि आम पब्लिक के साथ साथ सेंट मेरिज, विद्या मंदिर, आशा सिंह, उज्जवल सिंह, सुखदेव इंटर कॉलेज, रानी चंद्र प्रभा, रमेश कल्याणकारी बाल मंदिर, कमला बालिका जैसे विद्यालय के छात्र छात्राओं का सुबह शाम आना जाना होता है और सुबह नवीन मंडी से सब्जी लेकर जाने वाले वाहनों का आवागमन रहता है। इसलिए इस नौबस्ता रोड चौराहे पर तो पुलिस प्रशासन का रहना या ट्रैफिक कंट्रोल की दृष्टि से ट्रैफिक पुलिस होना बहुत जरूरी है। जबकि देखा जाए तो कई बार एक्सीडेंट भी हो चुकी हैं, जिससे लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। विचार नहीं इस चौराहे को व्यवस्थित करने की जरूरत है। आइए सुनाते हैं क्या कहते हैं नगरवासी संजय पटेल के खास कवरेज खागा फतेहपुर। ट्रैफिक पुलिस की बहुत आवश्यकता है, इसकी बराबर कई बार प्रशासन से मांग की गई है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था पुलिस की व्यवस्था नहीं हो पाई है। अगर इसकी व्यवस्था हो जाती है तो एक्सीडेंट पर काफ़ी विराम लग जाएगा। दूसरी बात यह है कि नेशनल हाईवे की तरफ से कम इन चौराहों और तिराहों पे डाइवर्जन बोर्ड लगने चाहिए, जो बहुत ही आवश्यक है। बाहरी तमाम गाड़ियां बाहरी की निकलती हैं, उनको अंदर का रूट नहीं मालूम है जी, और वो उसी स्पीड में निकलती है, ना तो स्पीड बेटर है ना डाइवर्जन रूट है, तो जो बाहरी गाड़ियां निकलती हैं वो उसी स्पीड में निकलती है जी, जिससे आमतौर पे एक्सीडेंट जो है होते रहते हैं। क्योंकि अगर डाइवर्जन रूट पर बोर्ड लग जाए तो लोग वहाँ पर अपना स्पीड जो है गाड़ी का वाहन का जो स्पीड है वो स्लो कर लें, तो इसलिए यहाँ पे सर्वप्रथम ट्रैफिक पुलिस बहुत आवश्यकता है। हाँ नेता जी, ये बताइए, ये जो आपका नौबस्ता रोड चौराहा है, यहाँ देखते हैं कि बड़ा ट्रैफिक रहता है और यहाँ कई घटनाएं हो चुकी हैं, इस विषय में आप क्या कहें? नौबस्ता रोड, जीटी रोड बाईपास चौराहा जो है जी, सुरक्षा के मानकों को देखते हुए उसका निर्माण नहीं हुआ जी, और प्रशासन की तरफ से वहाँ पर ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं है, ट्रैफिक पुलिस की जी। सुबह टाइम में भी स्कूली बच्चे निकलते हैं, रोड पार करते हैं जी, शाम टाइम में भी जब स्कूलों की छुट्टी होती है बच्चे रोड पार करते हैं। इस बीच आए दिन कोई ना कोई घटना घटित होती है जिसका खामियाजा सीधा आम जनमानस को आम जनमानस भोग रहा है। इसलिए प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि जीटी रोड बाईपास नौबस्ता रोड चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था अविलंब हो जाए, जो जनहित में जरूरी है। आपका सुपरचय? मुझे अखिलेश मौर्य कहते हैं, पूर्व सदस्य जिला पंचायत हूँ, पूर्व में नगर पंचायत अध्यक्षी का चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़ा। भाई साहब, ये जो नौबस्ता रोड चौराहा है, यहाँ देखते हैं आने जाने वालों की भीड़ काफ़ी रहती है और कुछ पुलिस प्रशासन दिखाई नहीं देता है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। नौबस्ता रोड चौराहे पे एक ट्रैफिक व्यवस्था होनी चाहिए जी, जिसके बारे में कम से कम 2 साल पहले माननीय पुलिस अधीक्षक फतेहपुर को जी एक आवेदन दिया गया था, जिसमें कई विद्यालयों ने सिग्नेचर किया था जी, और मैं स्वयं गया था वहाँ देने जी, वहाँ पे कि यहाँ पे एक ट्रैफिक की व्यवस्था हो, छोटे छोटे बच्चों का आवागमन होता है और काफ़ी भीड़ भी होती है वहाँ पे, जिसमें आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। 2-3-4 घटनाएं ऐसी हो गई हैं कि आशा सिंह बालिका इंटर कॉलेज की 2 लड़कियां ख़त्म हो चुकी हैं, फिलहाल 1 महीने पहले भी 1 लड़की ख़त्म हो चुकी है आशा सिंह बालिका इंटर कॉलेज की जी। और कम से कम वहाँ सुबह 8 बजे से लेकर के सुबह 10 बजे तक तो ट्रैफिक की व्यवस्था होनी ही चाहिए, दूसरी टाइम लमसम 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक होनी चाहिए व्यवस्था, जिसमें बच्चे स्कूलों से छूटते हैं वहाँ पे आवागमन की बढ़िया व्यवस्था होती है। खागा लोकल पुलिस भी वहाँ नहीं रहती है और प्रशासन उस पर तनिक भी ध्यान नहीं दे रहा है। घटनाएं जब हो जाती हैं उसके बाद 1-2 दिन लोग नजर आते हैं, उसके बाद कोई नजर नहीं आता वहाँ पे। इस चौराहे पे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, कहाँ कहाँ के आवागमन होता है? इस चौराहे पे कई गाँव हैं जुड़े हुए हैं, नवस्था के हैं, अलीपुर के भी हैं, प्रेमनगर के भी हैं, बच्चे खागा आते हैं, पास के जो भी कॉलेज और उधर है कुंभीपुर है, इस तरह के गाँव के बच्चे खागा बहुत आते हैं, क्योंकि खागा में कोई ही विद्यालय है, काफी बिजी चौराहा है यहाँ, तो ट्रैफिक 24 घंटे होना चाहिए,
ट्रैफिक की व्यवस्था तो यहाँ 24 घंटा होने, गाड़ियाँ भी निकलती हैं, बच्चे भी निकलते हैं, और कोई वहाँ पुल तो बना नहीं हुआ है, ना कोई गोल चौराहा बना हुआ है, सीधे बच्चे निकलते हैं, और छोटे बच्चे निकलते हैं तो उन बच्चों को इतनी जानकारी नहीं होती है कि कैसे निकलना है, कैसे आना जाना है, इसलिए घटनाएं होती हैं। अगर प्रशासन वहाँ रहे तो शायद घटनाएं कम हो सकती हैं। आपका सुपरिचय। मेरा नाम प्रेम नारायण शर्मा, मानसा कॉम्प्लेक्स।